चलो गाइस, दिस इज दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। आप लोगों में से कई लोग होटल इंडस्ट्री में आने वाले हैं, होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कई लोग को काम करते करते काफी साल हो चुके हैं। किचन में जब आप काम करते हो तो आपको एक लंबी ब्रिगेड मिलती है, अलग अलग पोजिशंस मिलती है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किचन ब्रिगेड क्या होती है और कौन कौन सी पोजीशन होती है किचन में। अगर आप किचन में काम करने वाले हैं, अगर आप किचन में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पोजीशन आपके आसपास काम करती है और कौन कौन सी पोजीशन आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। जब भी हम किचन में काम करते हैं, जब भी हम एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, आपके काम के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पोजीशन की। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया है। मुझे कमेंट आया था अविनाश का, जिन्होंने मुझे कहा था कि शेफ देमी शेफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर भी वीडियो बनाई है। और भी काफी सारे कमेंट आए थे जिसमें मुझे कहा था कि शेफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ डीसीडीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि एक डीसीडीपी डेमी शेफ की किचन में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे क्या क्या करना पड़ता है। जब आपको प्रमोशन मिलता है, जब आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, तो आपके पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ऐसा नहीं कि आप कॉमी थ्री हो तो आपको कॉमी वन का काम करना पड़ेगा, आप डेमी शेफ हो तो आपको सू शेफ का काम करना पड़ेगा। हर एक पोजीशन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक पोजीशन की अपने टास्क होते हैं, अपना काम होता है। वीडियो में आपको पता चलेगा लास्ट में कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक डीसीडीपी की और एज अ प्रोफेशनल आपको क्या काम करना पड़ता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका मैं टॉपिक चूज करूँ, आपके किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे मेरे किसी भी यूट्यूब के वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर अपना टॉपिक लिख सकते हो। अभी मैंने कुछ नया किया है, जब भी मैं लाइव आता हूँ, हर वीक मैं लाइव आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, वहाँ पर मैं एक व्हील लेने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह का व्हील होगा जिसमें मैं 15 टू 20 लोगों के नाम सेलेक्ट करूंगा, जिन्होंने कमेंट किया होगा, जिन्होंने अपना टॉपिक पे कमेंट किया होगा कि शायद इस पे बनाइए वीडियो, तो मैं उन सबका नाम लूंगा और इस व्हील में डालूंगा। इस व्हील को मैं ऑनलाइन आपके सामने लाइव आके स्पिन करूंगा और जिसका भी नाम आएगा उसके नाम पे जो भी टॉपिक होगा मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगा, चाहे आप कोई से भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे फ्रंट ऑफिस से हो, चाहे बारटेंडर हो, वेटर हो, या किचन से रिलेटेड हो, आप कमेंट कर सकते हो मेरे किसी भी वीडियो पे। सो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और पता करते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक डेमी शेफ की। सो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कुकिंग एंड प्रिपरेशन एज पर द स्टैंडर्ड रेसिपी। मतलब जो भी आपको आपके सू शेफ ने, आपके एग्जीक्यूटिव ने एज डेमी शेफ आपको जो भी रेसिपी दी है, जो भी स्टैंडर्ड बनाया गया है आपके खाने का, आपकी डिश का, आपके रेसिपी का, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। आपके नीचे जो भी कॉमीज होते हैं, आपके अंडर में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, उनको भी स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको बोलना पड़ता है, काम कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज आपने एक करी बनाई है, उसमें चार मसाले डालने चाहिए, तो किसी कॉमी को आपने बनाने के लिए दिया तो उसने पाँच डाल दिए, किसी ने छः डाल दिए, किसी ने एक कम डाल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड है रेसिपी का उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ वर्क, मतलब आपके अंडर में जो भी काम कर रहा है उसको एलोकेट करना, किसको पोटैटो पील करने हैं, किसको ऑनियन चॉप करना है, किसको स्प्रिंग रोल बनाने हैं, किसको करी बनाना है, किसको एलाकार्ट के ऑर्डर लगाने हैं, हर किसी का अपना अपना काम होता है। अगर आपके अंडर में चार लोग काम कर रहे हैं तो आप उनको एलोकेट करिए कि तूने ये करना है, तूने ये करना है, इस तरह से एलोकेशन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप काम नहीं बांटोगे, काम नहीं बताओगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो उससे क्या होगा कि हर कोई कुछ भी करता रहेगा, जिससे आपके काम में डिले हो सकता है, आपके ऑर्डर लेट निकल सकते हैं। सो इसलिए एलोकेशन ऑफ वर्क होना बहुत जरूरी है। उसके बाद चेकिंग मिज़ापला ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब आपका जो भी मिज़ापला है, आपको पता है कि कल हमारा ब्रेकफास्ट 300 लोगों का होने वाला है, 1000 लोगों का होने वाला है, आज हमारे पास एलाकार्ट बिजी होने वाला है, तो उसका जो भी मिज़ापला है वो आपको देना पड़ेगा, अपने अंडर में जो भी आप काम कर रहे हैं उनको देना पड़ेगा या आपको करना पड़ेगा, तो उनको बताना पड़ेगा कि क्या क्वांटिटी में आपको मिज़ापला करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पास बिजी नहीं है, ऑफ सीजन चल रहा है और वो कटिंग पर कटिंग करने पर लगे हुए हैं, तो ये देखना है आपने कि वो क्वांटिटी जो है आपकी मिज़ापला की, चाहे कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो उसके लिए कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए वो आपको पता करना है, और आपके अंडर में जो भी काम कर रहे हैं उनको बताना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ क्वालिटी का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपके पास कैप्सिकम की जरूरत है, कुकुम्बर की जरूरत है, तो अगर वो खराब हो रखे हैं और उन्हीं को आप यूज कर रहे हो अपनी पार्टी के लिए या अपने एलाकार्ड के लिए, तो वो सही नहीं।
फीफो मेथड आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास करी रखी हुई है और किसी ने नई करी बना दी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्डर आया और आपने नई करी यूज़ कर ली है। ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि फीफो मेथड यूज़ करें, जो पहले गया वो पहले आएगा, जो बाद में गया वो बाद में आएगा। सो क्वालिटी का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके जो गेस्ट होते हैं वो रेगुलर होते हैं, उनको रेगुलर बनाने के लिए आपको क्वालिटी फूड देना बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोल वेस्टेज, सो आपको वेस्टेज को भी कंट्रोल करना पड़ता है। वेस्टेज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने अगर खाना बनाया, कोई डिश बनाई है, कोई ऑर्डर आपके पास आया, ये नहीं कि आपको 250 ग्राम उस डिश की क्वांटिटी होनी चाहिए, तो किसी ने 350 बना दी, फिर जो बचा हुआ है वो फेंक दिया है या कोई खा रहा है अपने लिए। और साथ साथ सपोज आपके पास कोई पार्टी है, अगर आपको लगता है कि कोई करी उसमें से या कोई आइटम, कोई डिश उसमें से बच सकता है, हम कहीं पर यूज़ कर सकते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसको वेस्टेज नहीं जाने दे। उसके अलावा भी वेस्टेज के काफ़ी सारे मेथड है, जिसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा और आपको बताऊंगा एज अ सीनियर आपको किस तरह से वेस्टेज में कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वेस्टेज कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको जो रेवेन्यू होता है उस पर फर्क पड़ता है, आपके जो इतने सारे बिल निकलते हैं, आपका जो किचन का पूरे महीने का जो खर्चा निकलता है उसमें उसका फर्क पड़ता है। तो वेस्टेज अगर आप कंट्रोल करोगे तो उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा, जिससे कि आगे आपको रेवेन्यू दिखाने में, रेवेन्यू बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इनोवेट न्यू डिशेस, सो आपका जो मेन्यू बना हुआ है, आपके जो एग्जीक्यूटिव ने, आपके जो सू शेफ ने जो मेन्यू बनाया हुआ है, उसको तो आपने फॉलो करना ही करना है, साथ साथ कुछ ना कुछ इनोवेशन करना भी बहुत जरूरी होता है। सो सपोज करो आपके पास कोई करी है, आपने वो करी तो बनाई है, अब आप कुछ नया करना चाहते हो तो आप कुछ दूसरी करी बना सकते हो। इनोवेशन करना बहुत जरूरी, जिससे क्या होता है कि आपके अंदर जो काम करने का पैशन होता है वो बरकरार रहता है, वो बना हुआ रहता है, और उसके साथ साथ जो है आप अपने सीनियर को भी दिखा सकते हो कि देखो हम ये डिश भी अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, या उसको ऐसे काम करके भी दिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने वेस्टेज कर दिया, आपने बस बना रहे हो कुछ भी बना रहे हो और अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाने पर लगे हो, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई रेसिपी का, किसी डिश का इनोवेशन कर रहे हो, इनोवेट कर रहे हो, तो उसका पूरा मेन्यू होना चाहिए, हर चीज़ की क्वांटिटी होनी चाहिए, आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने सीनियर के साथ बताना ज़रूरी होता है कि देखो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, इसकी क्वांटिटी है, ये पूरा इसका जो है हमने फिगर बनाया हुआ है, तो इस तरह से इस डिश को बना के ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ट्रायल या प्रैक्टिस करने पर लगे हो। सो इनोवेशन भी बहुत ज़रूरी है। मेंटेन डिसिप्लिन एंड ग्रूमिंग ऑफ स्टाफ, सो आपका जो स्टाफ है, चाहे वो सीनियर है या जूनियर है, जो कॉमीज है, एज अ DCDP आपको अपने कॉमियों का, आपके अंडर में जो भी काम कर रहे हैं उनकी ग्रूमिंग बनाना भी बहुत ज़रूरी है, उनको हाइजीनिक रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं अब्रॉड आने की, तो मैंने कई बार बोला है, कई वीडियोज़ में बोला है कि आपको हाइजीन के बारे में, हैसअप के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। हैसअप के लिए मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर हैसअप के मैंने वीडियो बनाए हैं, जहाँ पर आपको कई सारी नॉलेज मिलेगी। सो आपके अंडर में जो भी काम कर रहा है उनको पता होना चाहिए कि ग्रूमिंग किस तरह से होती है, बाल, नेल, आपके जो कपड़े हैं जो आपने पहने हुए हैं, सॉक्स हो गया या आपके वॉचेज हो गया, आपने कुछ पहना हुआ है, ज्वेलरी पहनी हुई है, ये सब कुछ के बारे में पता होना, ये जो पर्सनल ग्रूमिंग होती है इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड, स्पेशली पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड, मैं काफ़ी सारे वीडियो, काफ़ी सारे कंटेंट आपके लिए लाने वाला हूँ, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ देसी ब्लॉगर चैनल मिलेगा। सो हाइजीन पे ध्यान दीजिए, अपने अंडर में जो काम कर रहे हैं उनको बताने से पहले आपको खुद हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी है। पोर्शन कंट्रोल, सो पोर्शन की बात करें तो जो भी आपकी डिश है, जो भी आप सर्व करने वाले हो अपने गेस्ट के लिए, वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू आपका पूरा मेन्यू बनाया जाता है। वो मेन्यू ऐसे नहीं बनाया जाता कि हमने ये बनाना या ये मुझे आता है तो ये यहाँ पर ऐड कर दो, ऐसा नहीं। उसकी पूरी प्लानिंग होती है, कलर कॉम्बिनेशन देखा जाता है, किस डिश का कौन सा कलर है, किस डिश से कितना हमारा खर्चा आ रहा है, कितना हमारा क्वांटिटी जा रहा है, तो ये सब कुछ देखा जाता है, तब जाके एक मेन्यू बनता है। मेन्यू ऐसे नहीं होता है कि हाँ मुझे 10 डिश आती है तो मैं पूरा मेन्यू बना सकता हूँ, मुझे मेन्यू बनाना आता है, ऐसा नहीं होता है। मेन्यू प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए हर चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। सो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, पोर्शन कितना होना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर एज अ डेमी शेफ आप कोई डिश नहीं लगा रहे हो, कोई ऑर्डर नहीं लगा रहे हो, तो आपके अंडर में जो कॉमी है, अगर वो उस खाने को बनाता है, कोई ऑर्डर आता है, अगर वो लगाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो कितना पोर्शन जो है अपने गेस्ट को दे रहा है, कितना पोर्शन सर्व कर रहा है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं ना कि खाना बनाना तो उनको आता है, उनके हाथ में टेस्ट होता है, मगर क्या करते हैं वो कभी ज़्यादा खाना बनाते हैं, कभी कम बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आपका रेगुलर गेस्ट होगा
तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। वो सोचेगा कि पिछली बार तो मुझे ज़्यादा मिला तब यार कम मिल गया, कोई सोचेगा मुझे कम मिला तब यार ज़्यादा मिल गया, ये तो अच्छा हो गया। और साथ साथ आपका जो एक्सपेंसेस है, जो किचन के एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप पूरे महीने भर थोड़ा थोड़ा किसी न किसी डिश का क्वांटिटी अगर ज़्यादा दे रहे हो, 250 ग्राम में तो 300 दे रहे हो, 300 है तो 350 दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं टोटल मिला के जो हमारा एक्सपेंसेस निकलता है किचन का, वहाँ पर वो फर्क पड़ेगा। तो एज अ डैमी शेफ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको पोर्शन का ख्याल रखना है और आपके अंडर में जो भी काम कर रहा है उनको भी ख्याल रखने के लिए बोलना। उसके अलावा हमारे पास कई सारे पॉइंट है, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोविजन, रॉ मटेरियल क्वालिटी चेक करना, रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी है वो चेक करना, जैसे आपके पास बीफ आया है, चिकन आया है, होल फिश आई है या किसी भी तरह का मीट आया है, तो उनकी क्वालिटी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार सप्लायर क्या करते हैं कि फीफो मेथड यूज़ नहीं करते हैं, वो अपना जो पुराना स्टॉक होता है वो निकालने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पर उनको पता होता है इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में शेफ़ लोग चेक नहीं करते हैं, एक्सपायरी चेक नहीं करते, तो वहाँ पर वो अपना पुराना स्टॉक जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। सो रॉ आइटम की जो है आपको क्वालिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अलॉट ड्यूटीज़ टू कॉमीज़, मैंने जैसे ही बताया आपके अंडर में जो कॉमीज़ हैं उनको उनकी ड्यूटीज़ अलॉट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी शिफ्ट में 2 कॉमी हैं 4 कॉमी हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि आप ये कटिंग करेगा, ये सब्जी रिसीव करेगा, ये यहाँ की सफाई करेगा, ये यहाँ ऑर्डर लगाएगा, तो ये सारी चीज़ें एलोकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका काम ईजी हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड वेस्टेज, जिसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन कितना खाना बना रहे हैं, कितना मीज़ा प्ला कर रहे हैं और कितना वेस्टेज जा रहा है, इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अधेरे टू हैसअप, मतलब हैसअप में जो भी चीज़ें आती है, जैसे आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, इन सब के बारे में आपको अपने कौमियों को बताना पड़ेगा, उनको इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप उनको भी बता सकते हो कि हैसअप क्यों ज़रूरी है। और अगर म्यूनसिपालिटी आपके पास आती है, कभी अगर चेकिंग के लिए आ जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर आपको किस चीज़ को ध्यान रखना है, कहाँ पर आपको हाइजीनिक रहना है, किस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो है सब के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपके अंडर में जो कौमी है उनको भी पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, फूड सेफ्टी हो गया, हाइजीन हो गया, क्लीनलीनेस हो गया, अगर आपके साथ कोई कौमी काम कर रहा है, आपके अंडर में कोई भी काम कर रहा है, अगर आपके पास म्यूनसिपालिटी आ जाती है चेकिंग के लिए आ जाती है और आपके कौमी की हालत एकदम, मतलब पूरा कोट खराब है, पूरा गंदा हो रखा है और बटन खुले हुए हैं, बाल से बिखरे हुए हैं, कैप नहीं पहनी हुई है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप अप्रोड आना चाह रहे हो या नहीं भी चाह रहे हो, एज अ प्रोफेशनल होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ऐसे नहीं कि ढाबे की तरह कुछ भी लगे पड़े हो। कई लोग मैंने इंडिया में देखे हैं पैंट ऊपर करके भी काम कर रहे होते हैं, कई लोग मैंने देखे हैं जो शेफ कोट छोड़ो अपने टी शर्ट में ही खाना बना रहे होते हैं। देखो, आप जिस तरह से आप काम करोगे, जिस तरह से कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे अपने प्रोफेशनलिज्म में, वैसे ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आप कोशिश करोगे कि आपने अच्छा करना है, आपने और नॉलेज गेन करनी है, तो आप उसी तरह से आगे बढ़ोगे। देखो, हर चीज़ में टाइम लगता है, मगर कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको हैसअप के बारे में पता नहीं है और आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको हाइजीन फूड सेफ्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है और आप अब्रॉड जाने के लिए इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो, तो ध्यान रखिए आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और फूड सेफ्टी और हाइजीन के अलावा आपको हेल्थ के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि हैसअप में एलर्जीज भी आती है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हैसअप के अंडर में बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसके लिए मैं और भी कई सारी वीडियो लाने वाला हूँ, और कई लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे मुझे हैसअप के वीडियो में, तो मैं आपके लिए मैं बता दूं कि और भी कई सारे वीडियो फूड सेफ्टी से रिलेटेड या PIC से रिलेटेड मैं लाने वाला हूँ। PIC किसे कहा जाता है, PIC बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, और PIC से याद आया, कल ही मुझे PIC का सर्टिफिकेट मिला है जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है, और उसके बारे में मैं जब PIC का ब्लॉग लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगा कि मुझे किस तरह से मिला, मैंने क्या किया और आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो गाइज, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज मैंने कोशिश करी आपके लिए कुछ अलग लाने की, क्योंकि नॉलेज और रेसिपी तो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, बट आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि डैमी शेफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करेगा, आपके जो थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताएगा। अगर आप चाहते हैं, भूलिएगा नहीं, आपके पास कोई टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ, तो मेरे किसी भी वीडियो में, किसी भी यूट्यूब के वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो और बोल सकते हो, बता सकते हो कि शेफ इस पे वीडियो बनाइए। सो आने वाले लाइव में मैं उस व्हील को स्पिन करूंगा और देखेंगे कि किसका नाम आता है। सो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार इस चैनल पर आए हो, तो सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि वहां पर हमारे 100K जल्दी ही होने वाले हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूं। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।